दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में होम थिएटर को कैसे बनाया जाता है, और क्या आपको पता है फैक्ट्री में स्पीकर को कैसे तैयार किया जाता है और कैसे स्पीकर की सर्किट को बनाया जाता है, और क्या आप जानते हैं होम थिएटर के अंदर फॉर्म क्यों लगाते हैं। दोस्तों होम थिएटर बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में इसके बॉडी का 3D मॉडल तैयार करके फ्रंट पैनल को बनाते हैं, जिसके लिए स्टील शीट को CNC मशीन पर रखकर मशीन को क्लोज करते हैं, जहां पे ऑटोमेटिक मशीन कंप्यूटर में बने मॉडल के अकॉर्डिंग सीट पर कटिंग करती है, फिर मशीन से निकाल कर कलरफुल बनाते हैं ताकि होम थिएटर लुकेबल दिखे, फिर सीट पर कंपनी का नाम लिख कर कंपनी का साइन करते। अब बारी आती है होम थिएटर की जान यानी स्पीकर को बनाने की, जिसके लिए स्टील बास्केट को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर उस पर टर्मिनल को जोड़ते हैं, फिर इसके अंदर ग्लू डालकर मैग्नेट पर भी लगाते हैं और बास्केट को मैग्नेट के ऊपर चिपकाकर कॉइल को वाइंडिंग मशीन से तैयार करते। अब कॉइल वाले पार्ट पर ग्लू लगाकर बास्केट के अंदर चिपकाते, फिर कॉइल को टर्मिनल से अटैच करके बास्केट पर ग्लू लगाते और कॉन को चिपकाकर स्पीकर के अंदर सोल्डरिंग करते, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी देखकर इसका टेस्टिंग करते और लास्ट में डस्ट कैप लगाकर स्पीकर को तैयार कर लेते। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जो होम थिएटर की बॉडी में एक प्लेट डालकर वेल्डिंग करते हैं, जिस पर स्पीकर को सेट किया जाएगा, फिर होम थिएटर को बैक पैनल में लगाकर ग्लू से चिपकाते हैं, जिससे होम थिएटर के अंदर का हीट बाहर निकलता है, फिर इस पर कॉन लगाकर साउंड लीकेज के चांसेस को कम करते और इसमें दो वायर लगाकर नट्स से टाइटली कसते हैं। अब हम होम थिएटर के फ्रंट पैनल में कूलिंग सिस्टम लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं, ताकि होम थिएटर जल्दी हिट न हो, और स्पीकर के ऊपर रबरिंग लगाकर होम थिएटर को स्क्रू से टाइटली कसते हैं, जिससे फ्रंट पैनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। फिर होम थिएटर के बॉडी में एक और स्पीकर लगाकर फॉर्म से कवर करते ताकि बेस इफेक्ट अच्छा मिले। अब दोस्तों इस होम थिएटर को वायरलेस बनाने के लिए LCR सर्किट लगाते हैं, जो इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर से मिलकर बनता है। दोस्तों LCR सर्किट का इस्तेमाल इतना ही नहीं बल्कि वोल्टेज बढ़ाने के साथ इंडक्शन हीट को कंट्रोल करने में भी किया जाता है, इसीलिए इन तीनों कंपोनेंट को बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम सीट के ऊपर कॉपर कॉइल लपेट कर कटिंग करते और टैप लगाकर रजिस्टर को तैयार कर लेते। अब बारी है इन्हें असेंबल करने की, जिसके लिए होम थिएटर बॉडी में ग्लू लगाकर इंडक्टर को लगाते, फिर उसमें रजिस्टर लगाकर कैपेसिटर को भी लगाते, फिर इन तीनों को एक साथ सोल्डरिंग करके LCR सर्विस को तैयार कर लेते। अब तीनों फॉर्म को एक छोटे साइज में सोल्डरिंग करके स्पीकर के साइड में लगाते, जो अंदर के एको को एब्जॉर्ब करता है, जिसे म्यूजिक में अलग अलग डायरेक्शन में क्लियर सुनाई देता है। फिर बैक पैनल के वायर को स्पीकर और LCR सर्विस के साथ सोल्डरिंग करके होम थिएटर में जोड़ते हैं, और इसके बैक पैनल को क्लोज करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं, जिससे होम थिएटर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब इनका टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए इन्हें दूसरे रूम में भेजकर इसकी ऑडियो पिन में दो केबल लगाते हैं और इसके बेस इफेक्ट को चेक करके आपके मार्केट तक भेज देते हैं।